तो खेसारी लाल से मिले तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, जो कौन सा गाना निकला था, तबला वाला? हाँ, एक तबला का इवेंट हुआ था, उस पर भी बुलाया गया था हम लोगों को वहाँ पे, और किए थे वहाँ पे। अच्छा लगा उनसे मिलकर, काफ़ी अच्छे इंसान है, जितना अच्छा कैमरा में लगते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रियल में लगने में अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। और वो हम लोग तो बहुत आदमी तो क्या कहते हैं कि तरसता है मिलने के लिए, लेकिन आप उसके साथ इंस्टाग्राम वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग को सोनू जी से मिलाने के लिए जा रहा हूँ, जो कि सोनू है इंस्टाग्राम में वायरल लड़का है, जो कि काफ़ी मिलियन में उसका व्यूज आता है। तो आज मैं उसको फ़ोन किया था, वो बोला कि मेरा घर पे आइए 3 बजे, 3:30 बजे करीबन, तो अभी 3:30 बजने वाला है। तो लेकिन अभी हम जा रहे हैं, तो सोनू जी से पूछेंगे किस तरह से वो इंस्टाग्राम में आगे बढ़ा है, किस तरह से वायरल हुआ है, और डुमरिया कुछ व्यू दिखाएंगे, जो उसका घर डुमरिया है फिलहाल, तो वहाँ जाएंगे हम लोग अभी, और वहाँ पे आप लोग को वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। जो भी भाई अभी मेरा चैनल में बने हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, आपको दिखाते हैं सोनू जी का इंस्टाग्राम का जो पूरा लिखिए प्रोफाइल है, जो यहाँ पे देख सकते हैं कितना फ्लावर्स है, जो आप अभी आप लोग को मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से आगे, और आप लोग को वहाँ पे सोनू जी से कुछ इंटरव्यू भी लेंगे, उससे थोड़ा सा बातचीत भी करेंगे। चलते हैं दोस्तों यहाँ से आगे, और बने रहिए मेरा वीडियो, आज का वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं कि दोनों भाई हम लोग यहाँ पे आए हैं, और सोनू भाई बोला था यहाँ पे कि हम लोग को रुकने के लिए, और यहाँ से मतलब उसका घर थोड़ा ही दूर, मतलब 1/2 किलोमीटर दूरी में है, और सोनू भाई इधर ही रील सील बनाता है जितना भी इंस्टाग्राम में, देख सकते हैं यहाँ का व्यू। और अभी हम डुमरिया में हैं फिलहाल, और यहाँ का व्यू दिखा रहे हैं आप लोग को, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू देखने में। अभी सोनू भाई बोला कि वहाँ 10-15 मिनट रुकिए, हम तब तक में आ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं सोनू जी का, और देखते हैं कब आता है यहाँ पे, और सोनू जी से आप लोग को भी बात कराएंगे, इंटरटेन करवाएंगे, और वो किस तरह से रील बनाता है, कैसे वायरल हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी लेना। क्या है कि इंस्टाग्राम बहुत सारा भाई चलाते हैं, अभी तक बहुत कम भाई का ही वीडियो वायरल होता है, सबका नहीं होता है, तो उससे हम आज टिप्स भी जानेंगे कि इंस्टाग्राम में किस तरह से वायरल हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा और आगे का, पीछे वाले कैमरा से व्यू आप लोग को दिखा देंगे, आपको दिखाते हैं पीछे वाले कैमरा से व्यू इधर का, बहुत अच्छा नज़ारा भरा लग रहा है, और यहाँ शांत जगह है, जो कि यहाँ रील सील कुछ भी बनाएंगे तो कोई मतलब यहाँ टोक टाक करने के लिए नहीं आएगा, बहुत अच्छा जगह लग रहा है हमको भी। तो आते हैं सोनू भाई, तो फिर आप लोग को उससे इंटरटेन करवाएंगे, देख सकते हैं यहाँ का व्यू अभी आप लोग को दिखा रहे हैं कितना अच्छा है, देख सकते हैं दोस्तों कि अभी सोनू जी अभी रील बना रहा है, तो अभी सोनू जी के पास आए हैं, तो अभी इंटरव्यू लेंगे सोनू जी से, पूछेंगे सारा चीज़। अभी फिलहाल यहाँ पे रील बना रहा है, जो मैं अभी आप लोग को दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, और सोनू जी काफ़ी वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, जो कि इंस्टाग्राम में, तो अभी पूछते हैं फिर बताएँगे। दोस्तों अभी मैं आप लोग को सोनू जी से मिलाने के लिए जा रहे हैं, तो देख सकते हैं कि सोनू जी यहाँ पे है फिलहाल। हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो सोनू जी हम आपसे ये पूछने के लिए चाहते हैं कि इंस्टाग्राम में किस कब मतलब वायरल हुए और कब चैनल बनाए, इसके बारे में थोड़ा सा मोटिवेट दीजिए हम लोग का भी थोड़ा। हम वीडियो बहुत पहले से ही बना रहे थे, हम टिकटॉक के ही ज़माने से वीडियो बना रहे थे, और उस टाइम से बनाए जब फिर एक वीडियो ऐसा हुआ टिकटॉक पे वायरल हो गया, और वायरल होने के बाद वही लगभग 2.5 मिलियन गया था व्यूज, और उसके बाद फिर ये हुआ टिकटॉक बैंड हो गया। हाँ, बैंड हो गया था, फिर छोड़ दिया हम सब चीज़, बोले नहीं नहीं आप पढ़ने लिखने। फिर उसके बाद 12th था मेरा, हम 12th देने के लिए चले गए फॉरबिसगंज, वहीं रहते थे, और 12th देने के बाद फिर हम जब 12th कंप्लीट हुआ, तो आज से पिछले 6 महीना पहले हम उस टाइम पे सुने कि इंस्टाग्राम पे रील बन रहा है, एकदम पूरा देख रहे लड़का लोग पूरा वायरल है, सोचे हम भी ट्राई करते हैं यहाँ पे। टिकटॉक पे ट्राई किया था, खत्म हो गया था, मन तो नहीं कर रहा था, हाँ, तो सोचे फिर भी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में व्यूज ही नहीं जा रहा था, 2-3-4 ऐसे कर करके, कभी उधर बनाते थे कभी इधर बनाते थे कहीं, तो लगे रहे। ये होता है ना कि कोई भी चीज़ में आप शुरू से अंत तक लगे रहिएगा तो जरूर सक्सेस मिलेगा, और ऐसे ही लगे रहे। अभी कुछ दिन पहले से वीडियो से वायरल हुआ है, अभी यहाँ पे लगभग 6 महीना साल हुआ। हाँ, 6 महीना हुआ होगा। लेकिन अभी आपका टोटल कितना है फ्रेंड? टोटल मेरा है अभी शायद 75 के ऐसे कुछ होगा। हाँ, और वो आपका चैनल हम खोल के लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक। अच्छा, आप यूट्यूब में भी काम किए हैं थोड़ा सा, एक एल्बम बनाया उसके बारे में काम किए हैं बहुत, आपका उसमें भी अच्छा खासा व्यू गया है, हम देखे थे लगभग 1400-1500 व्यू गया था फर्स्ट ही वीडियो। हाँ, उस टाइम पे किए थे तो गया था, अभी तो 18 के ऐसे कुछ समथिंग। चैनल का क्या नाम है आप? सानू ऑफिशियल 786, सेम नेम है जो इंस्टा पे, सेम नाम दिए। हाँ,
और वही सब कर रहे क्या थे। वहाँ पटना में हम देखें कि आप काफ़ी वीडियो बना रहे थे, खेसारी लाल से मिले, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं, जो कौन सा गाना निकला था तबला वाला। हाँ, एक तबला का इवेंट हुआ था, उस पर भी बुलाया गया था हम लोगों को वहाँ पे, और किए थे वहाँ पे, अच्छा लगा उनसे मिलके, काफ़ी अच्छे इंसान है, जितना अच्छा कैमरा में लगते उससे काफ़ी ज़्यादा रियल में लगने में अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। और वो हम लोग तो बहुत आदमी तो क्या कहते हैं कि तरसता है मिलने के लिए, लेकिन आप उसके साथ इंस्टाग्राम में वीडियो बना है। यहाँ से हम भी आखिर के जगह से यार, यहीं से निकल के वहाँ तक अभी जाहिर है बहुत कुछ करना है। बना और पब्लिक प्यार दिया तब वहाँ तक भी पहुँचे आप। अभी बहुत कुछ करना है, अभी दो एल्बम आने वाला मैथिली में आएगा शायद, हो सकता है बहुत जल्दी, देखिए अगर आ पाए तो ठीक है। अच्छा, आप यूट्यूब में काम कीजिएगा कि नहीं? हाँ, यूट्यूब में काम करेंगे, और अब मेरा मोटिव है कि यूट्यूब में ही काम करना है। यूट्यूब में कौन सा चैनल आप चलाने के लिए चाहते हैं, कि ब्लॉगिंग चलाइएगा क्या वही content? नहीं, अभी क्या है ना कि अभी ब्लॉगिंग भी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा था ब्लॉगिंग, सब पूरा कंटेंट है, लेकिन ब्लॉगिंग में आप एक ही चीज़ दिखा दिखा के आदमी पब्लिक बोर हो चुका है, तो कुछ अलग करना है, तो देखते हैं, ट्राई कर रहे हैं, और म्यूजिक वीडियो भी आने वाला है बहुत जल्दी। अच्छा, इस चैनल तो रहवे करेगा आपका, है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना बात बोलने के लिए। तो गाइज, हमारे भाई जी हैं ये सतीश, ब्लॉग YT के नाम से इनका चैनल है, और ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी इनको सपोर्ट कीजिए, और हम भी जहाँ तक होगा हमसे पूरा सपोर्ट करेंगे, भाई जी का स्टोरी लगा देंगे पूरा अच्छी तरीके से, और भाई जी ऐसे ही मेहनत करते रहिए, जरूर आगे जाइएगा दिन। हाँ, यदि आप इतना पब्लिक पे छाए हुए हैं तो थोड़ा सा हमको भी हेल्प कीजिएगा तो जरूर जरूर अच्छा। हम तो चाह रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ से सब आदमी उठे और इस फील्ड में जाए, और अच्छी बात है। हम गए थे पटना एक बार, पटना ब्लॉगिंग किए थे। हाँ, देखे थे हम, देखे थे, लेकिन उतना वहाँ पे हमको नहीं मिला उतना, होता है कि जान पहचान रहना चाहिए। हाँ, नया नया जगह पे जाने के बाद थोड़ा सा ये होता है। अब आइए पटना, फिर हम करवाते हैं सबसे जान पहचान एकदम पूरा। ठीक है दोस्तों, तो फिर दोस्तों यहीं से आप लोग से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ में। ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।